नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बदहजमी यानी कि अपच को आम गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर माना गया है और इसके चलते पेट के ऊपरी हिस्से में परेशानी या दर्द का एहसास होता है। आमतौर पर अपच की समस्या गलत खानपान के कारण होती है, लेकिन इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। बदहजमी होने पर व्यक्ति को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, सूजन या बेचैनी महसूस होना, भोजन करते समय पेट जल्दी भर जाना या भोजन के बाद पेट लंबे समय तक भरा महसूस होना वगैरह अपच के लक्षण माने गए हैं। वहीं आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों के जरिए तैयार की गई औषधियां जैसे कि बिलवादी चूर्ण, चित्रकादी वटी और महाशंखवटी वगैरह अपच में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये दवाएँ पाचन तंत्र को ठीक करने का काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उपयोग अपच को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अपच होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार शरीर को नियंत्रित करने वाले वात, पित्त और कफ हैं। अपच का प्राथमिक कारण पित्त दोष का बढ़ना है। पित्त पाचन अग्नि के लिए जिम्मेदार होता है और जब ये असंतुलित हो जाता है तो ये अपच का कारण बन सकता है। इसके अलावा गलत खान पान की आदतें जैसे कि जल्दी जल्दी खाना या अधिक खाना भी अपच का कारण बन सकता है। अपच में योगदान देने वाले अन्य कारकों में तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर जैसी कुछ मेडिकल कंडीशन भी शामिल है। और अब हम दोस्तों जानेंगे अपच के लिए फ़ायदेमंद आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में उन पांच प्रमुख आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें खाने से अपच की समस्या को ठीक किया जा सकता है। और ये दवाएँ पाचन तंत्र को सही करने में मदद करती है और इन दवाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली है बिलवादी चूर्ण। दोस्तों बिलवादी चूर्ण को बिलवा फल, शुंठी, मेडिकल कैनबिस, धातकी और सौंफ वगैरह जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया जाता है। ये एक शक्तिशाली दवा है जो कि पाचन में सुधार लाने का काम करती है, सूजन को कम करती है और कब्ज से छुटकारा पाने में मदद करती है। बिलवा फल टैनिन नामक कंपाउंड से भरपूर होता है जो पेट को शांत करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। चूर्ण को भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लिया जाता है और इसे रोज़ नियमित रूप से लेने पर अपच को प्रभावी ढंग से ठीक करने में मदद मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चित्रकादी वटी की। तो चित्रकादी वटी को चित्रक, पिपली और सेंधा नमक जैसी जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक दवा है। ये एक पाचन उत्तेजक दवा है जो कि भूख को बेहतर बनाने में मदद करती है, पेट फूलने की समस्या को कम करती है और पेट की परेशानी से राहत दिलाने में मदद करती है। चित्रक एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो पाचन अग्नि को उत्तेजित करने और पाचन में सुधार लाने में मदद करती है। वटी को भोजन से पहले गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी दवाई है वो है लवण भास्कर चूर्ण। दोस्तों लवण भास्कर चूर्ण को बनाने में काला नमक, अदरक, काली मिर्च और जीरा जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा पाचन में सुधार करने, सूजन को कम करने और पेट की परेशानी से राहत दिलाने में मदद करती है। काले नमक में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि पाचन अग्नि को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, जबकि अदरक और काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि पेट में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। चूर्ण को भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लिया जाता है। चौथी दवाई है हींग वाष्टक चूर्ण। दोस्तों हींग वाष्टक चूर्ण को हींग, जीरा, अदरक और काली मिर्च जैसी जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से हींग का इस्तेमाल किया जाता है। पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए आयुर्वेद में हींग का खास तौर से उल्लेख किया गया है और ये पेट फूलने से राहत देने और सूजन को कम करने में मदद करती है। वहीं अदरक और काली मिर्च में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि पेट में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। चूर्ण को भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए महाशंखवटी की। तो बदहजमी जैसी समस्या होने पर महाशंखवटी का भी सेवन किया जा सकता है और इस आयुर्वेदिक दवा को बनाने में शंख भस्म, शुंठी और पिपली जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शंख भस्म में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि पेट को शांत करने में मदद करता है। वहीं अदरक और काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि पेट में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। वटी को भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों अपच एक सामान्य स्थिति है जो कि विभिन्न कारकों जैसे कि खराब आहार, तनाव या किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकती है। आयुर्वेदिक में अपच के लिए प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि लक्षणों को कम किया जा सकता है और समग्र पाचन हेल्थ में सुधार किया जा सकता है। और इसके लिए
बिलवादी चूर्ण, चित्रकादिवटी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण और महाशंखवटी का खास तौर से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि ये सभी दवाएं आयुर्वेदिक हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खासकर अगर कोई महिला गर्भवती है, स्तनपान कराती है या फिर कोई दवा ले रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।